जब सबकी हिट हो रही होती है और तुम्हारी हिट हो तो मजा नहीं आता, जब सबकी फ्लॉप हो रही हो तुम्हारी हिट हो गई तो हिस्ट्री हो जाती है। वाह हाँ भाई, तो सबका चल रहा है तो अब तेरा क्यों नहीं चल रहा है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कार्तिक आर्यन की शहजादा मूवी थिएटर्स पे रिलीज हो चुकी है और धमाल बमाल फ्लॉप हो रहा है फिल्म बहुत ही ज्यादा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और इस फिल्म को मिलता जुलता ये रिव्यू मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। कोई फिल्म को काफ़ी फ्लॉप, काफ़ी बोरिंग बता रहा है और कोई कोई बोल रहा है कि कार्तिक आर्यन काफ़ी अच्छा एक्टिंग कर रहा है। अच्छा और कार्तिक आर्यन को आज इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे, और सॉरी, हम एक्सपोज नहीं करेंगे, कार्तिक आर्यन को किसी ने ऑलरेडी एक्सपोज किया है। हम वो क्लिप आपको दिखाएंगे, जरा आप लोग ध्यान से इस क्लिप पे नजर डालिए। आओ सुनाओ कैम की एक कहानी। तो कल आपने देखा होगा कि हमारे कार्तिक भाई ने एक वीडियो डाली, जनता का प्यार बेशुमार शहजादा पब्लिक रिव्यू। बहुत अच्छी है, कार्तिक आर्यन ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कॉमेडी है, बहुत कॉमेडी, आपको देखना चाहिए। तो जरा ये देखो, कार्तिक का सबसे बेस्ट मूवी पति पत्नी और वो गेटी गैलेक्सी रिव्यू 3 years ago। अच्छी थी, भारी थी, भारी थी। लुका छुपी मूवी पब्लिक रिव्यू एट गेटी गैलेक्सी 3 years ago। शाबाश, इस साल की सुपर डुपर हिट मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी बनाई है, देखने में काफी मजा आएगा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी, अच्छी भी बढ़िया थी एकदम, मूवी अच्छी है भाई। कार्तिक आर्यन आउटस्टैंडिंग एक्टिंग, कॉमेडी उसने हंसा हंसा के पागल कर दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? कि आप लोगों ने देखा भाई साहब, कार्तिक आर्यन ने पब्लिक रिव्यू डाला शहजादा मूवी का, लेकिन शहजादा मूवी का था ही नहीं, मतलब अपनी पुराने जो फिल्म आए थे तो उन्हीं फिल्मों का उठा के डाल दिया था। हाँ, लेकिन यह बात अलग है, कार्तिक आर्यन ने डाला या फिर उनके मैनेजर ने या फिर उनके टीम के कोई मेंबर ने, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही ऑडियंस को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने फेक मतलब रिव्यू डाला अपने स्टोरी पे। तो भाई साहब, 1 लाख, एक नहीं दो नहीं, 1-1 लाख ऑडियंस उनके जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे उन्होंने उनको छोड़ के चले गए, मतलब ये देख लो स्क्रीनशॉट, 1 लाख ऑडियंस उनको छोड़ के चले गए भाई। हाँ भाई, तुम पब्लिक को चूतिया बनाओगे तो पब्लिक भी तुमको चूतिया काट के चली जाएगी। चूतिया बनाया तुमको। और भाई, टाइम जब खराब चलता है तो मतलब पूरा ही खराब चलता है, जैसे कार्तिक आर्यन का टाइम अभी खराब चल रहा है भाई। पिछला साल तो मतलब कार्तिक आर्यन के लिए अच्छा था, लेकिन भाई साहब में थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया था, ठीक है? तो एटीट्यूड भाई अच्छा बात नहीं है, तुम्हारा मतलब एटीट्यूड अपना थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। और भाई साहब का ऊपर केस हो गया है, क्योंकि उनका गाड़ी नो पार्किंग में खड़ा था और भाई साहब का गाड़ी पे हो गया चालान, पुलिस ने ठोक दिया है चालान और भाई साहब पे हो गया है थोड़ा सा छोटा मोटा केस। हाँ, छोटा मोटा ही केस है, इतना बड़ा कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम भाई साहब का थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, शहजादा मूवी कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी या फिर मूवी फ्लॉप जाएगा या हिट, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को 1 लाइक करके चैनल को ज़रूर करिए सब्सक्राइब। चलिए, आपसे मिलते हैं किसी अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय एंड कट इट।